बस स्टैंड हमीरपुर में खोखों के सामने बनी नालियों को लोक निर्माण विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है। पहले विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि बस स्टैंड में खोखों के सामने बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन खोखा धारकों द्वारा जताए विरोध के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। उधर इस सारी कार्रवाई के बाद खोखा धारकों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई खुदाई से जहाँ उनकी दुकानों का रास्ता बंद हो गया है, वहीं नालियों में खड़ा गंदा पानी बदबू मार रहा है। पीछे दुकान दी है और ये देखो नाली है, सारी बंद पड़ी हुई है। किराए को रास्ता नहीं है, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे तो उन्होंने तोड़ दिया। मतलब कहाँ से आएगा, मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा। सारी ब्लॉक है, एक तो बीमारी चली हुई है कोरोना की, और दूसरा नाली ब्लॉक है, बदबू आ रही है। जो वायरस के इस दौर में महामारी का कारण बन सकता है। पीआरटीवी के लिए हमीरपुर से पवन कुमार की रिपोर्ट।